गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज के प्रत्याशी कोदई साहनी ने कहा कि जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है इसके लिए वह जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि वह चुनाव जीतेंगे तो विकास की गंगा तेजी से बहेगी, आज जनता से जो वादा किया है वह पूरा करेंगे। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह धरातल पर 100% लाने का प्रयास किया जाएगा। इंडिया की टीम आज गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड में उपस्थित है और एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। अगर विविधता देखना है तो बिहार पंचायत चुनाव में आप आके देख सकते हैं, कहीं नॉमिनेशन हो रहे हैं, कहीं चुनाव है तो कहीं वोट मांगे जा रहे हैं प्रत्याशी की तरफ से, लेकिन आज यहाँ पे जिस प्रखंड में उपस्थित है नॉमिनेशन होना है 11 तारीख तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, लेकिन आज एक भारी संख्या नॉमिनेशन की प्रखंड में देखी गई है। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं, आइए इनसे पहले पर्चे पूछते हैं, उसके बाद से जानते हैं कि किस तरह का वादा आप अपने क्षेत्र में जाकर करेंगे, क्योंकि नामांकन इनका हो चुका है। जी क्या नाम है सर आपका? जी कौन से पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं सर? विधान पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। जी और अब आपका नॉमिनेशन हो चुका है तो जनता से किस तरह का वादा आपके द्वारा किया जाएगा अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत में? जी ईमानदारी से हम अपना कार्य करेंगे जी और जनता के सहयोग से अपना हम कार्य करेंगे जी। जो हम काम करेंगे वो ईमानदारी पूर्वक करेंगे। ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे यही मांगूंगा सर। आप विधा पर कैसे? हाँ क्या नाम है सर? मेरा नाम नागेंद्र साहनी हुआ। आप इनके छोटे भाई हैं जी, तो क्या व्यू रहेगा कि चुनाव में आप लोग आए, आप नेवी में भी, अभी आपने बताया कि नेवी में भी, तो क्या विचार रखते हैं गांव के प्रति कि आप चुनाव पंचायत चुनाव में? देखिए अभी पिछले क्या नहीं होली हाँ ओके ओके पिछले 15-20 साल से जो पंचायत चुनाव हो मैं देख रहा हूँ जिसमें यहाँ के जो अभी वर्तमान मुखिया हैं वो अपना तीसरा टर्न पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे हैं वो भी नहीं है। एक आपको हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। आपको जो भी आता है फंड आता है वो यहाँ की जनता को पता ही नहीं है कि क्या फंड आ रहा है, वो पहले ही निकल जा रहा है। आपको अगर आधार का राशन कार्ड बनवाना है उसके लिए जाइए तो उनको पहले पैसा देना पड़ेगा, राशन कार्ड भी तभी बनेगा। और मनरेगा का जो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया ब्लैक लिस्टेड हैं, आपको शायद पता होगा, क्योंकि मनरेगा का जो आया था मनरेगा का काम चल रहा था तो ये जेसीपी से ले आकर मनरेगा का काम करवा रहे थे जी। जेसीपी से तो करा नहीं है, मनरेगा बनाया इसलिए गया है कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको मजदूरी दिया जा सके, और कोविड के समय में तो और ज्यादा इस पे विशेष ध्यान दिया गया था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से एक विशेष योजना साबित हुई थी मनरेगा, जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं जो लोग कोविड के चलते बाहर से आ गए थे, सर इन्होंने बताया पीएससी की व्यवस्था यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि अगर आप चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो आपके पंचायत के लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? हम व्यवस्था करेंगे जी स्वास्थ्य विभाग का जी। सर आप गिधा पंचायत से ही हैं, क्या नाम है सर आपका? धनय साहनी। सर आप अपने मतलब पंचायत की किस तरह का मुखिया का डिमांड करते हैं, मतलब किस तरह का मुखिया चाहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए? सोच रहे हैं ईमानदार मुखिया हो अपना जी, सब हाँ काम अच्छा से करे जी है जी, जनता का भी वही हमारे यहाँ मांग है, जनता का भी वही मांग है। और किस तरह का विकास कार्य कराना चाहते हैं, मतलब क्या काम होना जरूरी है आपके पंचायत में, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। स्वास्थ्य केंद्र का होना चाहिए जी, गांव में सड़क टूटा फूटा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है जी, 15-20 साल हो गया है, अभी जैसा है वैसा ही है। अगर नहीं विश्वास है तो कोई भी आदमी गिधा पंचायत पूरा घूम के देखे आकर के, कैसा टूटा पूरा रोड है जी, कोई भी रास्ता क्लियर नहीं है अभी जी, तक जी। हम यही कहना चाहते हैं कि सब कार्य अच्छा से होना चाहिए जी 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 बिल्कुल। इन्होंने कहा कि रोडें सड़कें टूटी हुई है, और किस किस चीज़ की कमी है, क्योंकि कमी तो सर आपने देखा होगा आप घूमते होंगे पंचायत में, तो क्या क्या कमी है आपके पंचायत में? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, और क्या क्या नहीं है सर? 7 निश्चय योजना में जी एक सिर्फ नल जल का काम हुआ है, वो भी कहीं पूर्ण रूप से कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है जी। तो हम आशा करते हैं अगर हम जीतते हैं जी तो जो भी नल जल का योजना में जो भी टूटी फूटी जो भी त्रुटि होगी उसको हम पूरा करेंगे, गली नली और
नहर का पुल है जी, क्या नाम है आपका? संतोष यादव जी, बताइए सर। नहर का जो पंचायत में जाना है, पंचायत पानी हो पुल नहर का नहीं बना है, पानी हिल कर जाना पड़ता है जी। महिलाओं को तो काफ़ी दिक्कत होता होता होगा जी। तो मतलब वो लोग क्या मांग करते हैं ऐसे, अगर मुखिया जीतते हैं तो आप जीत, क्या लगता है सर, अगर आप जीत में कराते हैं तो बन जाएगा वहाँ पे पुल जी? गंडक विभाग से हम उसको हम पास करवाएंगे जी, उसके बाद से हम कोशिश करेंगे बनवाने के लिए जी। जी जी, सिंचाई विभाग मुखिया का पावर होता है, अगर उसके क्षेत्र में अगर नदी के चलते अगर उसके गांव के लोगों की तकलीफें होती है तो सिंचाई विभाग से बात कर वहां व्यवस्था करवा सकता है, वहां पुल सड़क जो भी है वहां, क्योंकि जब नदी का भाग आ जाता है तो सरकार के अंडर नहीं आती है, वो सिंचाई विभाग देखती है, और सिंचाई विभाग के अधिकारी हर जगह नदी के अगल बगल ही रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं ऑफिस रहता है। अगर मुखिया चालू हुआ चलाक हुआ तो अपने पंचायत में काम को करवा सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री से कि यहाँ दो तरह की सरकार चलती है, एक त्रिस्तरीय में जो बैठे होते हैं पंचायत में, एक ये सरकार चलाते हैं अपने गाँव में, और एक राज्य में बैठे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सरकार चलाते हैं। अगर वहाँ की हालत सही भी रही, अगर यहाँ के मुखिया अच्छे नहीं होंगे तो जो भी योजनाएं आएंगी सही पूर्वक लागू नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आपको भी विशेष ध्यान गांव स्तर पर देने की जरूरत है जी। कहीं ना कहीं मुखिया प्रत्याशी ने ईमानदारी पूर्वक काम करने का वादा किया, टीवी वन इंडिया न्यूज पे आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी।